13 जनवरी 2022, साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें इस कांटों के जंगल को दैवी फूलों का बगीचा बनाना है, नई दुनिया का निर्माण करना है। प्रश्न, तुम बच्चे बाप के साथ कौन सी सेवा करते हो जो कोई भी नहीं करता? उत्तर, सारे विश्व में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी की स्थापना करने की सेवा तुम बच्चे ही बाप के साथ साथ करते हो, जो कोई भी नहीं कर सकता। तुम अभी नई दुनिया का फाउंडेशन लगा रहे हो, तो जरूर इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। दैवी फूलों का बगीचा बनाना, कांटों के जंगल को खत्म करना, यह बाप का ही काम है। गीत, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। जब कोई साधु संत या विद्वान लोग भाषण करते हैं, तो पहले कोई न कोई को नमस्ते करते हैं। कोई शिवाय नमः कहते, कोई कृष्ण नमः कहते, कोई गणेश नमः भी कहते हैं, परंतु नमस्ते तो ऊंचे से ऊंच एक बाप को ही करना चाहिए। बच्चे जानते हैं, ऊंचे से ऊंचा एक भगवान है, उसका नाम है शिव। गाते भी हैं शिवाय नमः। शिव को हमेशा बाबा कहते हैं। शिव बाबा पहले पहले रचना रचते हैं। रचयिता एक है, रचना भी वास्तव में एक है। रचता बाप को और रचना दुनिया को कहा जाता है। बाप जो दुनिया क्रिएट करते, सो जरूर नई ही क्रिएट करेंगे, परंतु बाप जरूर पुरानी दुनिया में ही आएंगे। इसलिए बाप को पतित पावन कहा जाता है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, उसमें भी खास भारतवासी, बाप को याद करते हैं कि पतित पावन आओ। जब सब दुखी और पतित हो जाते हैं, तभी बाप को पुकारते हैं। परंतु दुखी कब हुए और याद कब से करते हैं, यह नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं। आगे भी समझाया था कि हे बच्चे, तुम अपने दुख सुख के जन्मों को नहीं जानते हो। मैं जो ज्ञान का सागर हूँ, नॉलेज फुल हूँ, वो बैट तुमको समझाता हूँ। शिव बाबा कहते हैं, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी हूँ, मुझे पतित पावन कहते हैं, तो जरूर पतित दुनिया भी है, पावन दुनिया भी है। पावन दुनिया को हेवन कहा जाता, अथवा गार्डन ऑफ अल्लाह भी कहते हैं। फिर जब दुनिया पतित होती है, तो कांटों का जंगल हो जाती है, बेशुमार मनुष्य हो जाते हैं, माया का राज्य शुरू हो जाता है। किसको भी समझाना है कि आज से 5000 वर्ष पहले भारत गार्डन ऑफ गॉड था, मनुष्य बहुत सुखी थे, नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था, कोई भी खंड का नाम निशान नहीं था। नए भारत में फिर नई दिल्ली भी थी, जिसको परस्तान कहा जाता था। भारत तो जैसे हीरे जैसा था, उसको ही सुखधाम भी कहते थे। अब तो भारत पुराना हो गया है, उनको ही दुखधाम कहते हैं। अब बाबा समझाते हैं, आजकल की दिल्ली में विश्व नव निर्माण प्रदर्शनी कर रहे हैं, मनुष्यों को समझाने के लिए कि यह विश्व नया कैसे होता है। चित्र सामने रखकर और कोई समझा न सके, न कोई ऐसे विश्व नव निर्माण प्रदर्शनी खोल सके। ये पहली बार ही है जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बैठ समझाते हैं। भारत नया था, तभी सुखी थे,
लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। विष्णुपुरी नई दुनिया थी। नई दुनिया का निर्माण यानी फाउंडेशन लगाना, यह परमपिता परमात्मा का ही काम है। भारतवासी जो खुद ही अपने को पतित भ्रष्टाचारी कहते हैं, वे नए विश्व का निर्माण तो कर ना सके। तुम जानते हो वो लोग क्या क्या फाउंडेशन लगाते हैं। बाप कहते हैं, मैं स्वर्ग नई दुनिया का फाउंडेशन लगाता हूँ। पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है, ये तो कांटों का जंगल है। मनुष्य जैसे कांटे ही है, एक दो को दुख देते रहते हैं। भारत गार्डन ऑफ अल्लाह था, गॉड ने स्थापित किया था। शिवाय नमः भी तो कहते हैं ना। शिव बाबा ने कैसे स्थापन किया, बाप बैठ समझाते हैं। बरोबर ब्रह्मा द्वारा गार्डन ऑफ अल्लाह व देवी फूलों का बगीचा स्थापन कर रहे हैं। कांटों के जंगल को बदल देवी स्वराज्य स्थापन करेंगे। तो बच्चों को निमंत्रण देते हैं। यहाँ भी बच्चों ने निमंत्रण दिया कि बाबा आकर देखो, हम चित्रों पर कैसे समझाते हैं कि नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो रहा है। आप आकर देखो और श्रीमत दो बुला रहे हैं। अब इन चित्रों पर किसको समझाना तो बहुत सहज है। ऊपर में परमपिता परमात्मा का चित्र है, शिवाय नमः सबसे ऊंच है। वह फिर नई दुनिया रचते हैं। कौन रचते हैं? शिव। नए भारत में इन देवी देवता लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था, जो ऊंचे से ऊंचा परमपिता परमात्मा व फिर से सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी की। बाप कहते हैं, हे ब्रह्मा, तुम अपने को नहीं जानते हो, तुम्हारे लिए ही गाते हैं आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प ब्रह्मा की रात। तुम बच्चे इन बातों को समझते हो तब तो प्रदर्शनी खोली है। अब इन चित्रों द्वारा समझाओ। अब ये ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियां परमपिता परमात्मा द्वारा अपना वर्षा ले रहे हैं। गाया जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। उस सूर्य की बात नहीं, मैं ज्ञान सूर्य इस समय ज्ञान वर्षा कर रहा हूँ, जिससे तुम पतित से पावन बन रहे हो। बरसात का पानी कोई को पावन नहीं बनाएगा। मुझे पतित पावन कहते हैं। मेरे पास ही नॉलेज है कि पतित से पावन और फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं। पावन नई दुनिया और पतित पुरानी दुनिया को कहा जाता है। पतित बनाता है रावण, रावण को शैतान और राम को भगवान कहा जाता है। वह राम सीता वाला राम नहीं। तुम बच्चों को यह स्थापना और विनाश का राज भी समझाना है। इसके लिए यह विश्व नव निर्माण प्रदर्शनी है। कोई भी शास्त्र में यह नहीं कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सुखधाम की स्थापना करते हैं, रावण फिर दुखधाम बनाते हैं, बाप आकर सुखधाम बनाते हैं। आधा कल्प सुख तो आधा कल्प दुख, सत्युग त्रेता दिन तो द्वापर कलयुग रात। अच्छा, रात में ठोकरे खाते हैं, भगवान को ढूंढने के लिए धक्के खाते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। आधा कल्प दिन अर्थात आधा कल्प ज्ञान और आधा कल्प रात अर्थात भक्ति। ज्ञान का सागर अथवा ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। भारत में ही शिव जयंती मनाते हैं। इससे सिद्ध है कि भारत ही शिव की जन्मभूमि है। मुझे आना भी
पतित दुनिया में पड़े। तब तो आकर पतितों को पावन बनाऊं। जो पूज्य लक्ष्मी नारायण थे वही पुजारी बने हैं। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, वही लक्ष्मी नारायण की आत्मा जिनको 84 जन्म भोगने हैं, तो भिन्न भिन्न नाम रूप में भोगने हैं। तो ये ब्रह्मा जो स्थापना करते हैं वही फिर पालना करते हैं। अभी वह आत्मा पतित है तो फिर उनके ही शरीर में आकर उनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। पहले पहले तो ये बात समझानी है कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा संबंध क्या है। जरूर कहेंगे बाप है, वह तो सब आत्माओं का बाप हुआ। शिव बाबा के तुम सब बच्चे हो, इस समय भगत हो, भगवान को सब याद करते हैं, कहते हैं हे भगवान हमको भक्ति का फल दो, हम दुखी हैं, जीवन मुक्ति दो। साधु लोग भी साधना करते हैं कि हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति दो। इस समय सब पुकारते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाना है। बाबा डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे समझाओ। हम आत्मा शांति धाम में रहने वाले हैं। हम अभी एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट ले लेते हैं। वर्णों से भी पास होना है, यह ड्रामा अविनाशी बना हुआ है। चक्र फिरता ही रहता है, इसको भी जानना चाहिए कि चक्र कैसे फिरता है। पतित पावन एक, रचता एक, दुनिया भी एक। पूछते हैं पावन से पतित कैसे बने। रावण की असुरी मत पर चलने से 5 विकार आ जाते हैं। 5 विकारों को ही रावण कहा जाता है। अब बाप कहते हैं बच्चे तुमको इस रावण पर जीत पानी है, जो जीतेंगे वही राम राज्य के मालिक बनेंगे। यह है अंतिम जन्म अर्थात सृष्टि का अंत। सृष्टि का आदि भी बाप करते हैं तो अंत का विनाश भी बाप ही करते हैं। बाप कहते हैं मैं नई दुनिया का फाउंडेशन भी लगाता हूँ और पुरानी दुनिया का विनाश भी कराता हूँ। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा ना, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा भारत को गार्डन ऑफ दैवी फ्लावर बनाता हूँ। यह तो है कांटों का जंगल, इनको अब आग लगनी है। तुम अब जागे हो, मनुष्य तो सोए हुए हैं, यहाँ तो दुख अशांति है। बच्चों को हमेशा अपने शांति धाम स्वीट होम को याद करना है, तो स्वीट बादशाही वर्षे में मिलेगी। इस रावण राज्य को भूलते जाओ। भारत जो परिस्थान था सो अब कब्रिस्तान बन गया है, फिर परिस्थान बनेगा, ये चक्र है। विश्व नई तैयार हो जाएगी तो पुरानी को जरूर आग लगेगी। अब तुमको नई दुनिया के लिए तैयार होना है, फिर वहां चलकर कहां हीरे जवाहरों के महल बनाएंगे। अब तो झोपड़ियां हैं, कल्प कल्प पतित दुनिया सो पावन बनती है, पावन सो पतित बनती है। पतित धीरे धीरे बनते हैं, मकान नया जल्दी बनता है, पुराना होने में टाइम लगता है। ज्ञान से तुम नए विश्व के मालिक बन जाएंगे। अब तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो, फिर 14 कला, फिर धीरे धीरे कला कमती होती जाती है। अब कलयुग में जैसे कलाहीन अर्थात नो कला। भारत पावन था, अब पतित बना है, यह खेल भारत पर ही है। रावण से हारे हार, रावण से जीते जीत। अब तुम श्रीमद पर चल जीत पाते हो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति
मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए सार, श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। रावण की मत को छोड़ एक बाप की मत पर चलना है। इस दुख धाम को भूल अपने स्वीट होम शांति धाम को याद करना है। स्वयं को नई दुनिया में चलने के लिए जरूर तैयार करना है। वरदान, अपने श्रेष्ठ कर्म रूपी दर्पण द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म दिखलाने वाले बाप समान भव। एक एक ब्राह्मण आत्मा श्रेष्ठ आत्मा हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हो। ब्रह्मा बाप के कर्म आपके कर्म के दर्पण में दिखाई दें। जो बच्चे इतना अटेंशन रखकर हर कर्म करते, उनका बोलना चलना उठना बैठना सब ब्रह्मा बाप के समान होगा। हर कर्म वरदानी योग्य हो जाएगा। मुख से सदैव वरदान निकलते रहेंगे, फिर साधारण कर्म में भी विशेषता दिखाई देगी। तो यह सर्टिफिकेट ले लो, तब कहेंगे बाप समान। स्लोगन, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बाह्य मुखता छोड़ अंतर्मुखी एकांत वासी बनो। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो सदा कहते, बच्चे जो हो जैसे हो मेरे हो। ऐसे आप भी सदा प्यार में लवलीन रहो। दिल से कहो, बाबा जो हो वह सब आप ही हो। कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में नहीं आओ, अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहो। ओम शांति।